उधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी का नाम कॉरपोरेट लॉबी उछाल रही है। शरद यादव ने कहा है कि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा कि वो आग से ना खेले। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा है कि पीएम की खोज बंद होनी चाहिए। तो एनडीए के सबसे पुराने साथी जेडीयू ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद को लेकर जो तमाम अटकलें चल रही हैं उम्मीदवार के पद को लेकर बीजेपी की तरफ से उस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट लॉबी जो है वो नरेंद्र मोदी का नाम उछाल रही है और ये तमाम बातचीत जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर ये बंद होनी चाहिए। अच्छा है कि किसी का कोई तय नहीं है। अब कोई बोल दे कौवा कान ले गया, उस कौवा कान पीछे आप दौड़िए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है। ये निरर्थक और बिल्कुल योजनाबद्ध किसी की, कुछ तो कारपोरेट्स लगे हैं इसमें, और जो कारपोरेट्स हैं मैं उनसे सब नहीं लगे हैं, कुछ हैं, मैं उनसे वार्न करता हूं कि आग से खेल रहे हैं। वो अपना ब्याज व्यापार है, धंधा करो। राजनीति जो है वो पार्टियां करती है, पार्लियामेंट करती है, और 540-43 की पार्लियामेंट है। इसे नहीं वो, इसको नहीं काबू में कर पाएंगे।